Yes, friends. Till now, we have covered two chapters of history, that is French Revolution and Russian Revolution. Here, and now, in this chapter, this is the story of Germany. After First World War, Germany got defeated by Britain, France, Russia, and US. What happened in Germany? क्या होता है जब वर्ल्ड वॉर में एक कंट्री हार जाती है और उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? Today I will just give you introduction. I will just give you outline story of the chapter so that whole of the chapter should be clear to you. Clear? So today you have to just listen the story of this chapter. Clear? So this story or this chapter begins with the time period of First World War or after First World. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम सब बच्चों को पता होगा 1914 to 1918. इट मीन्स हमने इस चैप्टर में 1918 के बाद का टाइम पीरियड पढ़ा. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस टाइम पर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम जर्मनी में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी? मोनार्की. एंड काइजर विलियम He was the king of Germany. Kaiser William was the king of Germany at that time when Germany got defeated in the First World War. And you know, when Germany got defeated, then Kaiser William, he left the country. The country chhodkar bhag gaya. At that time in Germany, so many, you can say association of people, they formed the political parties. Unhone chote chote political parties banayi. And country mein proper election karwaye gaye. और इलेक्शंस के बाद डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वाज फॉर्म डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब कंट्री हार गई मोनार्की सिस्टम यानी कि काइजर विलियम ही फ्लेड फ्रॉम द कंट्री. और ऐसे में कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए कुछ लोगों ने एसोसिएशन बनाई. पॉलिटिकल पार्टीज दे केम फॉरवर्ड एंड इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन द कंट्री एंड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वॉज फॉलोड. और इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो नई गवर्नमेंट बनी इस नई गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? वीमर रिपब्लिक. क्यों कहते हैं इसको वीमर रिपब्लिक? बिकॉज वीमर वॉज अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट वॉज फॉर्म कॉन्स्टिट्यूटेड जहां पर यह गवर्नमेंट बनी थी. रिपब्लिक क्यों कहते हैं? बिकॉज हेड of the country is elected for temporary time period. Jaise our country is republic, president is elected for temporary time period. So ab Germany mein maine aapko bataya first world war ke baad jo nayi government bani democratic government bani that was Weimar Republic. Kyun isko Weimar Republic kaha jata hai? Weimar is the name of the place where this government was formed. And republic you kehte hain because head of the country was elected temporary at that time. So that's why German new government was named as Weimar Republic. Ab is Weimar Republic pe bahut si responsibilities thi. Kya responsibilities thi? Ek to country already defeated country. Aur isse pehle lagatar 5-6 years tak war expenditure ke karan country mein bahut loss hua tha. Aur sabse badi problem सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीमर रिपब्लिक के सामने क्या आई? ट्रीटी ऑफ वर्साय. क्या थी ट्रीटी ऑफ वर्साय? ट्रीटी का मतलब होता है बच्चे एग्रीमेंट. ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट. पुराने टाइम पीरियड में जब दो एरियाज के बीच में वॉर या दो कंट्रीज के बीच में वॉर को बंद करना होता था तो पीस ट्रीटी साइन की जाती थी. पीस ट्रीटी को साइन करने का मतलब है कुछ एग्रीमेंट साइन किए जाते थे और वॉर को बंद कर दिया जाता. ऐसे ही जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी वॉर डिफीटेड बाय द विनर कंट्रीज देन ट्रीटी पीस ट्रीटी वॉज साइंड बाय द जर्मनी. और इस पीस ट्रीटी को साइन करने के लिए विनर कंट्रीज ने वीमर रिपब्लिक के कुछ डेलीगेट्स कुछ मेंबर्स को बुलाया. वर्साय आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा हुआ पैलेस ऑफ वर्साय फ्रांस.
इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फीमर रिपब्लिक के कुछ डेलीगेट्स या कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो फ्रांस गए। वहां पे पहला 100 वर्षाए में उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन की जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साय। ठीक है, इसको भी हम आगे जाकर पूरा डिटेल में करेंगे, मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साय इसका मतलब है कि एक एग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट में जर्मनी जर्मनी के ऊपर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। कैसी रिस्ट्रिक्शंस? जर्मनी को डीमिलिट्राइज कर दिया। डीमिलिट्राइज का मतलब क्या होता है? आर्मी नंबर ऑफ सोल्जर को कम कर दे, वेपन्स को कम कर देना, ताकि इन फ्यूचर जर्मनी जो है वो कभी भी विनर कंट्रीज के अगेंस्ट वॉर जो है वो प्लान ना कर सके। इसका मतलब जर्मनी की जो एक मिलिट्री पावर थी उसको रिड्यूस करने के लिए कहा गया और उनको वो साइन करने के लिए कहा गया ट्रीटी ऑफ वर्सा। देन मैनी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ जर्मनी वर टेकन बाय द विनर कंट्रीज, लाइक 13% एरियाज, 13% टेरिटरीज, टोटल एरिया का 13% एरिया वॉज टेकन बाय द विनर कंट्रीज। जर्मनी के जो बॉर्डर एरियाज थे दीज एरियाज वर टेकन बाय द विनर कंट्रीज। Then 75% iron mines, iron area, 75% पूरी जर्मनी का iron area that was divided by the winner countries, यानी कि जर्मनी के अंदर जितनी भी iron mines थी उन mines में से iron extraction का काम जो था वो foreign countries ने यानी कि winner countries के अंडर ले लिया, यानी कि जर्मनी के पास सिर्फ कितने बजे 25% iron areas। Then इसके अलावा coal areas, 26% coal areas, कोल माइंस। तो आप ये सोचो कि इतना सारा एरिया जब विनर कंट्रीज ने ले लिया तो जर्मनी के लिए एक इकोनॉमिक लॉस था। और एक नई गवर्नमेंट, हम कहते हैं ना न्यूली बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री जो थी जर्मनी, क्योंकि तो पहले मोनार्की था इसे हम ये कहते हैं न्यूली बॉर्न, एक इन्फेंट जैसे होता है ना, बच्चा होता है, ऐसे ही गवर्नमेंट भी एक नई नई थी, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ऊपर से इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन जो है उनके ऊपर लगा दी। ठीक है, इसके अलावा कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? विनर कंट्रीज का जो भी जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन का जो भी टोटल एक्सपेंडिचर होगा उसका कुछ परसेंट जर्मनी को पे करना पड़ेगा, यानी कि पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी डिस्ट्रक्शन हुई उसमें से कुछ परसेंट जर्मनी को पे करना पड़ेगा। तो जर्मनी को वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया। वॉर गिल्ट क्लॉज, गिल्ट गिल्ट का मतलब क्या होता है? हम कई बार कहते हैं ना कि हमें इस चीज का गिल्ट हो रहा है, तो ऐसे ही जर्मनी को एक क्लॉज, एक लाइन जो क्लॉज कहते हैं, क्लॉज का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स। एक पॉइंट में था कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डिस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसके लिए वो क्या पे करेगा? कॉम्पनसेशन। तो ये सारी ऐसे बहुत से पॉइंट्स थे जो इस ट्रीटी में रखे गए जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साय। और आपको पता है वाइमर रिपब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। लेकिन जब वो एग्रीमेंट साइन करके वापस अपनी कंट्री में आए देन लोगों ने यानी कि जर्मन के लोगों ने उनको प्रॉपरली वेलकम नहीं किया। ये ट्रीटी नवंबर के मंथ में साइन हुई थी, इसलिए जब ये लोग वापस आए इनको क्या कहा गया? नवंबर क्रिमिनल्स। क्यों कहा गया इनको नवंबर क्रिमिनल्स? क्योंकि दे साइन ट्रीटी ऑफ वर्साय और लोगों को ये लग रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल यानी कि पूरे वर्ल्ड में जर्मनी जो है, जर्मनी की जो रेपुटेशन है, जर्मनी को हार्श और ह्यूमिलेटिंग इंसल्ट ऐसी जो ट्रीटीज में, ऐसे जो क्लॉजेस थे उसमें साइन करने में। तो इस तरह से जर्मन के जो लोग थे धीरे 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 उनके मन में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट जिसे हम कहते हैं कि एक बैकग्राउंड बन गया और लोग कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फेथ नहीं कर पाए। उनको ये लग रहा था कि वाइमर रिपब्लिक जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्साय पे साइन करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, बट अल्टीमेटली वाइमर रिपब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था एट दैट टाइम। क्लियर? सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वाइमर रिपब्लिक को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ठीक है, जैसे आप इसके बाद हम क्वेश्चन, ये हमारा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, विच वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वाइमर रिपब्लिक, हमने सारी प्रॉब्लम्स बतानी है। इसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साय, ट्रीटी ऑफ वर्साय को डिटेल में हमने बताना है कि ट्रीटी ऑफ वर्साय क्या था। अब ट्रीटी ऑफ वर्साय साइन करने के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस ईयर 1923 और डिप्रेशन का जो ईयर होगा 1929 टू
1930 यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वाइमर रिपब्लिक ने जब ट्रीटी ऑफ वर्सायल को साइन किया उसके बाद कंट्री में धीरे 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 आगे से 1920 21 22 कंट्री में कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट होती गई और अल्टीमेटली ये किस फॉर्म में सामने आया क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या होता है अब आप खुद सोचो कि ऑलरेडी कंट्री जो थी एक हारी हुई कंट्री थी ऊपर से ट्रीटी ऑफ वर्सायल में बहुत से क्लॉजेस जो है वो जर्मनी पे लगा दिए गए और ऊपर से कॉम्पनसेशन भी इनको पे करना पड़ता था तो अब नई जो गवर्नमेंट थी वो कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे डिवेलप करती और कैसे कंट्री में फाइनेंस जो है क्रिएट किया जाता ताकि फॉरेन कंट्रीज को भी पे किया जाए और लोगों को भी सेटिस्फाई किया जाए। बट गवर्नमेंट वॉज फेल्ड बिकॉज गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल द वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन और ईयर आफ्टर ईयर द करेंसी ऑफ जर्मन क्या थी उस टाइम पीरियड में जर्मन की करेंसी क्या थी मार्क। मार्क वॉज द नेम ऑफ द जर्मन करेंसी। इसकी कंडीशन इसकी जो वैल्यू है दैट डिक्रीज एरो नीचे का मतलब है कि मार्क की जो वैल्यू है वो और डाउन हो गई यानी कि मार्क को जब डॉलर से जो है वो कन्वर्ट करते थे तो मार्क की वैल्यू बहुत डाउन हुई तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब है फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है दैट गोज वर्स्ट एंड इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वाइमर रिपब्लिक वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल फाइनेंशियल कंडीशन। फिर इसके बाद एक और टाइम आया डिप्रेशन का टाइम पीरियड। डिप्रेशन ऑल ओवर वर्ल्ड आया था डिप्रेशन 1929-30 के टाइम पीरियड में जिसमें पूरे वर्ल्ड में जो प्राइजेस चीजों के रेट होते हैं चाहे वो क्रॉप्स हैं या जो भी हैं वो प्राइजेस क्या हो गए डिक्रीज। जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस डिक्रीज हो जाते हैं तो ऐसे में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और बिजनेस करना प्रॉफिटेबल नहीं है और यूएसए ये डिप्रेशन जो था वो स्टार्ट हुआ था यूएसए से। यूएसए उस टाइम पीरियड में बहुत एक रिच कंट्री मानी जाती थी जो बाकी कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती तो जर्मनी ने भी अपने आप को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए यूएसए से कुछ लोन लिए लेकिन जब यूएसए में ही डिप्रेशन आ गया तो यूएसए ने क्या किया सभी कंट्रीज को डेडलाइन दे दी ताकि सभी कंट्रीज जो भी उन्होंने लोन लिया हुआ है वो यूएसए को वापस कर दें और इस तरह से डिप्रेशन के टाइम पीरियड में जर्मनी ने यूएसए से जो भी लोन लिए हुए थे वो भी उनको वापस करने और 1929-30 तक वाइमर रिपब्लिक जो थी लोग उसको अपोज कर रहे थे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी दे वर वेरी पुअर एंड दिस लीड टू क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द कंट्री। लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज करते थे क्योंकि जब कंट्री में गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी लोग पुअर होंगे उनको खाना नहीं मिलेगा। मैनी पीपल दे डाइड ऑफ स्टारवेशन एट दैट टाइम मैनी पीपल दे लेड टू क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द कंट्री ठीक है और ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो था इस टाइम पीरियड में यानी कि 1929-1930 के टाइम पीरियड में हिटलर की एंट्री यानी कि हिटलर जो है वो उसका जिसम कहते हैं कि लोगों को हिटलर के बारे में पता लगा। अब हम पढ़ेंगे हिटलर के बारे में है ना हिटलर क्योंकि हमारा जो चैप्टर है द नेम ऑफ द चैप्टर इज नाज़िज़्म एंड राइज ऑफ हिटलर। तो अब आपको हिटलर के राइज की कुछ बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गई होगी कि हिटलर के पॉपुलैरिटी का क्या रीजन था क्योंकि इससे पहले कंट्री की कंडीशन ऐसी थी और जिस टाइम पीरियड में हिटलर ने अपनी कंट्री को संभाला तो कैसे उसने अपनी कंट्री को प्रॉपरली डिवेलप एक डिवेलपमेंट जो है वो स्टार्ट ठीक है। अब सबसे पहले नाज़िज़्म यहाँ पे क्या है नाज़िज़्म एक आइडियोलॉजी है क्योंकि ये पार्टी कौन सी पार्टी की छुरी थी नाज़ी पार्टी और ये पार्टी वो किसकी थी हिटलर की पार्टी थी नाज़ी पार्टी। अब हिटलर की हम बैकग्राउंड जो है उसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1885 में हिटलर का बर्थ हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता है वो एक सोल्जर यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जर्मनी की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। जब कंट्री हार गई तो बीइंग अ सोल्जर उनके मन में इसका बहुत ज्यादा जो है वो दुख हुआ था और वो अपनी कंट्री की जो इंसल्ट हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सायल में उसको जो है वो उसका जो जर्मनी का स्टेटस था वो वापस लाना चाहते और इसीलिए उन्होंने क्या किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गई तो उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन। पहली जो उनकी पार्टी यानी कि जो उनकी पार्टी का नेम क्या था जर्मन वर्कर्स पार्टी फिर उन्होंने धीरे धीरे पार्टी का नेम चेंज किया। इसके बाद वो इस पार्टी के इतने ज्यादा एक्टिव
लीडर बन गए कि धीरे धीरे उन्होंने पार्टी को संभाल लिया और पार्टी का नाम चेंज कर दिया नाजी पार्टी। जर्मन वर्कर पार्टी था पहले उसका नाम, नाजी पार्टी का, फिर उन्होंने नाम चेंज किया, उसके बाद धीरे धीरे बाद में इस पार्टी का नाम क्या पड़ गया, नाजी। और नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी उसको क्या बोलते हैं, नाजीज्म, ठीक है। और किस तरह से हिटलर ने अपनी पार्टी को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि 1930 के बाद किस तरह से उसने लोगों के मन में अपनी एक अलग से पोजीशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग की। 1930 में जब कंट्री में डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी तो हिटलर ने क्या किया, He started making many promises. आपको याद है जैसे लेनिन ने प्रॉमिस किया था अप्रैल पीसेस, तो ऐसे ही हिटलर ने भी बहुत से प्रॉमिसेस जो थे वो लोगों के साथ। हिटलर ने प्रॉमिस क्या किया, टू गिव एम्प्लॉयमेंट। हिटलर ने कहा कि अगर कंट्री में इलेक्शन होते हैं तो अगर आप नाजी पार्टी को सपोर्ट करोगे तो ही विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ही विल प्रोवाइड सेफ फ्यूचर, ठीक है। और हिटलर की रैलीज, जो अपनी पार्टी की रैलीज कौन सी होती है, जिसमें इलेक्शन कैंपेन और उसकी स्पीचेस, जो भी वो स्पीचेस देता था, उसकी पर्सनैलिटी, इससे लोग बहुत इंप्रेस हुए। वो सोल्जर था तो वो हमेशा अपने आप को एक सोल्जर ड्रेसअप में रखता था, इवन उसकी पार्टी कम और एक सोल्जर की जिसे कहते हैं रैली ज्यादा लगती, तो लोग दूर दूर से उसकी रैलीज को देखने आते थे, उसकी स्पीचेस को सुनने आते थे, उसकी डायनेमिक पर्सनैलिटी को देखकर बहुत इंप्रेस हुए, उसके प्रॉमिसेस, उनको लगा कि शायद ये कुछ मिरेकल करके दिखाएगा, उसको सेवियर ऑफ द सोसाइटी, मसीहा बना दिया गया। और धीरे 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 हिटलर जो था लोग उस पर बिलीव करना शुरू हो गए कि शायद ये कुछ चेंज करके लाए, कंट्री की कंडीशन को चेंज करे। एंड इस तरह से फिर क्या हुआ, कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए बच्चे, 1930 के बाद कंट्री में इलेक्शंस करवाए। और आपको पता है 1932 में नाजी पार्टी गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। तो अब हमारा जो टाइम पीरियड है वो 1932 के बाद का टाइम पीरियड है। 1932 में दिस पार्टी वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। एंड हिटलर को एक कंट्री में एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पोजिशन जो है वो, सेकेंड इंपॉर्टेंट पोजिशन की बात करें, जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट, उनके नीचे जस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे ही जर्मनी में फर्स्ट पोजीशन किनकी थी, चांसलर, जो कंट्री के चांसलर थे, जैसे प्रेसिडेंट, उस टाइम चांसलर कौन थे, हिंडेनबर्ग, ठीक है, हिंडेनबर्ग वाज द चांसलर ड्यूरिंग 1932। और हिटलर की जो पोस्ट थी वो चांसलर से नीचे थी, बट हिटलर वाज नॉट सेटिस्फाइड, वो नंबर वन पे आना चाहता था। और 1933 में कंट्री में कुछ ऐसा हुआ, फायर इंसिडेंट, पार्लियामेंट, जर्मनी की जो पार्लियामेंट थी उसमें फायर इंसिडेंट हुआ, फायर प्लान किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये हिटलर ने करवाया था, कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये एक्सीडेंट। एंड इन दैट फायर इंसिडेंट हिंडेनबर्ग डाइड, हिंडेनबर्ग की डेथ हो गई। और उसके बाद हिटलर ने क्या किया, इस कंडीशन का फायदा लेते हुए हिटलर ने क्या किया, कंट्री में क्या लगा दी, एमरजेंसी। एमरजेंसी लगाने के बाद सेम ईयर 1933 उसने क्या किया, 3 मार्च 1933 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है, जिसमें उसने क्या किया, कंट्री के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खत्म करके कंट्री में क्या एस्टेब्लिश कर दी, डिक्टेटरशिप। क्या फर्क होता है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक फॉर्म जहां पे इलेक्शंस होते हैं, डिक्टेटर का मतलब होता है व्हेन पावर्स आर इन सिंगल हैंड और ग्रुप ऑफ पीपल। अब 1933 में क्या हुआ, ऑल द पावर्स वर इन द हैंड ऑफ हिटलर, एंड हिटलर जो था वो किसके द्वारा रूल कर रहा था, नाजी पार्टी। अब इसके बाद 1933 से लेकर 1939, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1939 में। अब आप खुद देखो कि 1933 से लेकर 1939 तक हिटलर ने जर्मनी को इतना ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट की, हिटलर वॉज रेडी फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिटलर ने कैसे अपने आप को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार किया, आप ये सोचो कि उसके मन में, या वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा कि 1933 से लेकर 1939 तक
उसने जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार कर लिया एंड ही एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप पॉलिसीज इन द कंट्री. और हिटलर की ये जो पॉलिसीज थी, इन पॉलिसीज में उसने बहुत से ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह की पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट की. वो हम पढ़ेंगे हिटलर पॉलिसीज, जैसे हमने स्टालिन की पॉलिसीज पढ़ी, हिटलर लेनिन की पॉलिसीज पढ़ी, ऐसे ही हम पढ़ेंगे आगे हिटलर की पॉलिसीज की. विच वर द पॉलिसीज ऑफ हिटलर, सम वर कंस्ट्रक्टिव एंड सम वर डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव में हम पढ़ेंगे कि कैसे उसने कंट्री में प्लानिंग की, प्लानिंग मतलब उसने कैसे वॉक्स वैगन कार, लोगों का ड्रीम कार जो था, ड्रीम कार का मतलब क्या होता है कि लोग चाहते थे कि जिस कार को वो खरीदना चाहते थे, हिटलर ने उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो था वो जर्मनी में लगवाया और इस तरह से कम रेट के ऊपर लोगों को कार जो है उसकी फैसिलिटी दिलवाई. देन सुपर हाईवेज कंस्ट्रक्शन, कंट्री में सुपर हाईवेज रोड्स डिवेलप की और धीरे धीरे लोगों को काम मिलना शुरू हो गया. जो पहले लेबर क्लास अनएम्प्लॉयड थी उनको धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया. देन उसने हिटलर ने क्या किया, अपनी कंट्री में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो किस पे किया, डिफेंस. यानी कि अब तक उसने क्या किया, हाँ जी, अब तक उसने क्या किया था, अब तक उसने क्या किया था कंट्री में, जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स थी, यानी कि जो भी वो उसको लगता था कि जिसके कारण जर्मनी जो है वो वर्ल्ड में पीछे रह गया, अब उसने क्या किया, धीरे धीरे उन प्रॉब्लम्स को पहले फाइंड किया और सबसे पहले उसको क्या था, डिफेंस, डिफेंस एक्सपेंडिचर. और आपको ये भी बताना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ना एक सभी कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको कहा जाता है लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन का मतलब क्या है कि सभी कंट्रीज आपस में मिलकर एक दूसरे के वेलफेयर के लिए प्रोटेक्ट करेंगी. अगर एक कंट्री में कुछ भी किसी चीज की शॉर्टेज है तो वो उसको दूसरी कंट्री में प्रोवाइड करेगी. और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हिटलर ने अपने आप को लीग ऑफ नेशन से बाहर कर लिया, यानी कि ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अदर कंट्री, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हिज कंट्री डेवलपिंग. लीग ऑफ नेशन से बाहर कर लेना का मतलब है कि वो अपने आप को बाकी कंट्री से उसने अलग कर लिया, क्योंकि वो अपनी कंट्री के बारे में मेन सोचता है. एंड सबसे ज्यादा उसकी रेस, कौन सी रेस थी उसकी, नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस. ही वॉन्टेड ओनली हिज रेस शुड सर्वाइव इन द कंट्री. वो चाहता था कि सिर्फ उसकी ही रेस सर्वाइव करे और इसके अलावा जर्मनी में जितने भी ऐसे लोग थे जो इस रेस से बिलोंग नहीं करते थे, कौन कौन, सपोज ज्यूइश, सबसे ज्यादा हेट वो किनको करता था, ज्यूइश, ज्यूइश कौन थे, ज्यूइश ये एक ऐसी रेस मानी जाती है जिनको क्रिश्चियन रिलीजन में हेट किया जाता था, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट. ज्यूज मतलब लोगों को ये लोग ये मानते हैं कि ये एक यहूदी, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट के ऊपर एलिगेशंस लगाई थी, जो जीसस क्राइस्ट जी की जो टीचिंग्स थी उनको उन्होंने अपोज किया था. और इस तरह से इनकी आगे जनरेशन जो थी उनको हेट किया जाता था. तो हिटलर भी एक जिसे हम कहते हैं कट्टर क्रिश्चियन का, एक फनेटिक क्रिश्चियन था. सो दैट्स व्हाई ही हेटेड ज्यूइश. और वो चाहता था कि इनको ज्यूइश जो है इनको क्या कर दिया जाए, एलिमिनेट फ्रॉम द कंट्री, या तो कंट्री से बाहर निकाल दिया जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए, या एलिमिनेट का मतलब होता है या कंट्री के अंदर ही इनको क्या कर दिया जाए, फाइनल सोल्यूशन का मतलब होता है इनको मार देना. और हिटलर ने, आपको पता है बहुत से हम इस चैप्टर में ना नए नए वर्ड्स पढ़ेंगे, हिटलर ने कभी भी मर्डर वर्ड यूज नहीं किया और उसने बहुत से ऐसे वर्ड्स को यूज किया जिसमें उसने सिर्फ ज्यूइश ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसी रेसेस जो उसकी कंट्री में जिनको वो नहीं चाहता था उनको मारने के लिए, उनको डिपोर्ट करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए नए नए वर्ड्स उसने यूज किए. एंड यू विल बी शॉक्ड कि अगर उसकी रेस में अगर कोई फिजिकली चैलेंज या डिसेबल होता था उसको भी एलिमिनेट कर दिया जाता था.
इसका मतलब क्या है, उसका ये मानना था कि कंट्री में पावरफुल बनने के लिए जो लोग हैं वो क्या होने चाहिए, हेल्दी, और अगर कोई हैंडीकैप है या फिजिकली चैलेंज है तो उसको कंट्री में रहने का कोई राइट नहीं है, बिकॉज दे आर द बर्डन ऑन कंट्री और सोसाइटी। तो ये थ्योरी थी हिटलर की। आप ये सोचो कि जब लोगों ने 1930 के बाद हिटलर को मैक्सिमम वोट देकर जिताया होगा तो उस टाइम पर में किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि हिटलर जीत जाने के बाद ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। और बाद में हिटलर ने 1933 के बाद बहुत सी ऐसी नेगेटिव पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जिससे लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर किया लोगों को, और लोगों को इवन घेटोइजेशन एरियाज में भेजा। घेटोस क्या होते हैं? घेटोज मीन्स अनहाइजीनिक एरियाज। अनहाइजीनिक एरियाज जैसे आपने पढ़ा होगा व्हाइट और ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था एंड ब्लैक वर नॉट परमिटेड टू एंटर इन द व्हाइट एरियाज। ऐसे ही जर्मनी में भी बहुत सी ऐसी रेसेस थी, ज्यूइश और इनके अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जिनको कॉमन एरियाज से निकालकर घेटोज में भेज देते थे। और ये घेटोज बड़े बड़ी बिल्डिंग होती थी या बड़े बड़े जिसमें कहते हैं कि स्लम्स एरियाज काइंड ऑफ होते थे जहाँ पे इनको रहना पड़ता था, और वहां पे इनको लेबर लेबर की तरह काम करवाया जाता था। और इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, घेटोइजेशन। घेटोइजेशन का मतलब होता है कि कॉमन एरिया से सेपरेट करके इनको इन एरियाज में जहाँ पे ड्रिंकिंग फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होती थी और अनहाइजीनिक एरियाज होते थे वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं होती, तो दे वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स इन दीज एरियाज। तो इस तरह का जो हम कहते हैं कि एक्सप्लॉटेशन हिटलर ने अपनी कंट्री में किया, हम सारा पढ़ेंगे इसको कि क्या उसका पॉजिटिव और क्या उसका नेगेटिव जो उसकी पॉलिसीज थी, ठीक है। फिर इसके बाद उसने अपनी कंट्री में सिर्फ अपनी रेस को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत से स्टेप्स लिए। उन स्टेप्स को हम अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ेंगे, लाइक एजुकेशन। एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और यहाँ पे याद रखना एजुकेशन ओनली फॉर हिज रेस, अपनी सिर्फ रेस के लिए एजुकेशन, अपनी रेस के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए क्या क्या उसने पॉलिसीज बनाई, ठीक है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे यूथ। हिटलर यूथ के बारे में क्या सोचता था, हिटलर जो था वो यूथ के बारे में क्या सोचता। यूथ मीन्स द यू कैन से स्टूडेंट्स आफ्टर स्कूल और कॉलेज में जो एंटर करते हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है, वो क्या सोचता था कि उनके लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। मिलिट्री ट्रेनिंग, आपको पता है कि हिटलर ने अपनी कंट्री में यूथ के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जिसमें बच्चों को शुरू से ही वॉर के बारे में पढ़ाया जाता था। हिटलर को कैसे वो गॉड माने, हिटलर को एज अ गॉड, ठीक है, और वॉर पॉलिसीज, बच्चों को वॉर पॉलिसीज सिखाई जाती थी। गेम्स, वो गेम सिखाई जाती थी जिसमें बच्चे एग्रेशन, बॉक्सिंग, सिर्फ बॉयज, यहाँ पे जब बात कर रहे हैं ना यूथ की तो सिर्फ ये बॉयज के लिए, उसने सिर्फ बॉयज के लिए किया बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू गिव एजुकेशन टू गर्ल्स। गर्ल्स के बारे में वो क्या सोच रहा था, आगे उसने पॉलिसी बनाई कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मदर्स या गर्ल्स या वुमेन, कुछ भी लिख सकते हो आप, कि वुमेन के लिए उसने क्या पॉलिसी बनाई, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें वुमेन जो हैं वो आउट ऑफ रेस मैरिज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अगर कोई भी जो है वो जर्मन, नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो गर्ल है वो आउट ऑफ रेस मैरिज करती थी, इट मीन वो क्या कर रही है, अपनी रेस को स्पॉइल कर रही है, और ऐसे में इनको पनिशमेंट दी जाती थी। और जो वुमेन अपनी रेस को प्रिजर्व करती थी, यानी कि जो अपनी रेस जो है अपनी रेस यानी कि अपनी रेस को प्रिजर्व करती थी, उनको अवार्ड्स दिए जाते थे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल दिया जाता था जो अपनी रेस के बच्चों को प्रॉपर जो है वो टेक केयर करती थी। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज हम पढ़ेंगे कि हिटलर जो था तो वुमेन के बारे में उसकी क्या थिंकिंग थी। आगे फिर हम पढ़ेंगे मीडिया। हिटलर ने मीडिया को कैसे यूज किया कि लोग ज्यूइश को हेट करें, यानी कि मीडिया को कैसे यूज किया गया ताकि जो जर्मन लोग हैं, ठीक है, वो हेट फॉर, टू क्रिएट हेट फॉर ज्यूइश पीपल।
ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आगे मीडिया, पोस्टर्स या फिल्म्स, मूवीज, बुक्स कैसे इनको यूज किया गया कि लोग जो वो अपनी अपनी कंट्री में सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस को ही अच्छा माने और बाकी जितनी भी रेसेस हैं उनको जो है वो हेट करें। क्लियर? तो इस तरह से जो हिटलर है उसने अपनी कंट्री में सिर्फ अपनी ही नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस को प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स किए। तो हम आगे ये सारा पढ़ेंगे, एजुकेशन, यूथ और टोटल कंट्रोल, यानी कि ज्यूइश के ऊपर उसने टोटल कंट्रोल कैसे किया, कैसे इनको एलिमिनेट किया, किस तरह से इनको पनिशमेंट की और उसके स्टेप्स टू डेथ, स्टेप्स टू डेथ ये हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि कौन कौन से इसने स्टेप्स टू डेथ यूज किए। हिटलर ने ज्यूइश को मरवाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स थे, पहले उनको घेटोइजेशन किया, फिर उनको अलग अलग एरियाज में रखा जाता था और उसके बाद उनको पनिश किया जाता था। और जिस टाइम पीरियड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, 1939 से 1945, जिस टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1939 to 1945, उस टाइम पीरियड में जर्मनी के अंदर टॉर्चर किया जा रहा था। मींस बाहर जर्मनी जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाकी कंट्रीज के साथ वॉर हो रही थी और कंट्री के अंदर जो था वो लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा, बड़े बड़े सेंटर्स में जिन लोगों को प्रिजन की तरह या लेबर्स की तरह, प्रिजनर्स की तरह रखा गया था, वहां पे उनको टॉर्चर किया था। एंड इन द एंड 1945, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड एंडेड इन 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि इसमें आपको कंट्रीज पहले पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज कौन सी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए और दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली एंड जापान। जापान ने क्या किया, यूएसए के पर्ल हार्बर, नेवल बेस, नेवल बेस का मतलब होता है जो नेवी का बेस होता है, वहां पे अटैक किया, जिससे यूएसए ने क्या किया, जापान की दो सिटीज, आपको सब बच्चों को पता होगा, हिरोशिमा एंड नागासाकी, यूएसए ड्रॉप बॉम्ब ऑन टू सिटीज, हिरोशिमा एंड नागासाकी। एंड विद दिस जापान डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब जापान की डिफीट हो गई, इटली तो वैसे ही जिसमें कहते हैं कि ऑलरेडी इटली वॉज डिफीटेड, और कौन सी कंट्री बची, जर्मनी। अब फिर भी ये सोचो कि जर्मनी ने 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपोज की, लेकिन 1945 में व्हेन हिटलर ही गॉट द न्यूज ऑन अटैक बाय यूएसए ऑन जर्मनी, ऑन सॉरी जापान, then Hitler and with his family members and ministers, he was scared, शायद उसको ये डर हो गया होगा कि second world war के end में जो winner countries हैं वो उसको arrest कर सकती हैं और उसके साथ आगे क्या होगा। तो इसके लिए जो Hitler और उसके कुछ family members और कुछ ministers जो थे, उन्होंने क्या किया, आपको पता है उन्होंने क्या किया Hitler ने? Yes, we will give the answer, किसको पता है? What was the end of the Hitler? एक इतना बड़ा डिक्टेटर जिसने अपनी कंट्री को अपनी conditions के ऊपर रूल किया, and in the end, what was the end of Hitler? Second World War की जब एंड हुआ, जब हिटलर को पता लग गया कि जापान जो है वो ऑलरेडी हार गया, इटली हार गया, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका क्या जो है वो हाल होगा, तो हिटलर ने क्या किया होगा, क्या किया होगा हिटलर ने? काइजर विलियम का तो पढ़ा कि काइजर विलियम तो कंट्री छोड़कर चला गया, तो व्हाट वाज द एंड ऑफ द हिटलर, क्या होगा हिटलर का एंड? एनी गेस, रेज योर हैंड, एनी गेस, यस, ओके, इसका एंड जो हुआ दैट आई विल डिस्कस विद यू टुमारो, तब तक आप सर्च कीजिए और हिटलर के बारे में आगे रीड कीजिए प्रॉपर। Yeah?